नमस्कार। आज का कारोबार अगर आप देखते हो टाटा पावर में तो लगभग 2% 1.5% आपको नीचे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं खबर पे। टाटा पावर ने रिसेंटली एक्सचेंज को कुछ ऐसे क्लेरिफिकेशन दिया है जहां पे जो इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई देने वाली थी इनकी सब्सिडियरी कंपनी पे टाटा ग्रीन पे, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट अभी नहीं होते हुए दिखाई दिया गया है ऑफिशियली। पर अगर आप यहाँ पे खबरों के अनुसार पे देखोगे जो मीडिया रिपोर्ट दिखाई दे रही है इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू, ब्लैक रॉक के चेयरमैन एंड सीईओ लैरी फिंक ने लगभग $500 से लेके $750 मिलियन तक का, जिसका अगर आप भारतीय रुपए पे चेक करते हो तो लगभग 3,500 करोड़ से लेके 5,500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी पे आते हुए दिखाई देने वाली है। टाटा पावर की दूसरी जो सब्सिडियरी कंपनी है जिस टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानते हो, उसकी अगर आप वैल्यूएशन देखते हो इस टाइम पे लगभग 5 बिलियन के अराउंड दिखाई दे रही है। अगर आप इसको भारतीय रुपए पे कन्वर्ट करते हो तो 35,000 करोड़ की दिखाई दे रही है। पावर एक भारत की लीडिंग पावर जनरेशन कंपनी है जो कि पावर सप्लाई करती है इन वेरियस प्लांट्स लोकेटेड अक्रॉस इंडिया। रिसेंटली आपने देखा कि टाटा पावर में काफी बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखते हो तो 267 का दिखाई देता है जो कि 19 अक्टूबर को बनते हुए दिखाई दिया गया था। एक साल का अगर आप यहाँ पे इसका हाई और लो चेक करते हो, एक साल का ऑलमोस्ट तो देखा जाए कि कहाँ ये स्टॉक आपको 56 रुपए पर दिखाई देता था, और रिटर्न्स की बात करोगे तो लगभग 350% का इसने रिटर्न्स निकाल के दे रखा है। 2021 में अगर आप चेक करो तो ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न निकाल के दे रखा है। 6 महीने का चेक करते हो तो लगभग 120% का रिटर्न, 1 महीने का रिटर्न देखो तो 24% का रिटर्न है, 5 दिन का अगर आप रिटर्न देखते हो तो 5% का, 1 दिन का आज देखा जाए तो लगभग काफी एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। खबरों के अनुसार देखा जाए कि आने वाले टाइम पे भी ये काफी स्टॉक इन द न्यूज पे रहने वाला है, और काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले इन 2022 तक में टाटा पावर की ये कंपनी आपको कुछ अलग लेवल पे मिलते हुए दिखाई देने वाली है। रिसेंटली ये खबर भी आपको मालूम चल ही गई होगी कि यहाँ पे कंपनी का एक आईपीओ भी आते हुए दिखाई दे सकता है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जिस वजह से अगर आप देख रहे हो कि शेयर में काफी आग लगी हुई है, आगे आने वाले फ्यूचर प्राइसेस इसका काफी इंटरेस्टिंग, काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इसके अंदर होल्डिंग वगैरह ले रखी है तो आप देख सकते हो उसका अगर आप डेली ट्रेडेड वॉल्यूम और यहाँ पर डिलीवरी देखते हो तो काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर अब खरीदारी होने लगी है। लगभग 4 करोड़ की ट्रेडेड वॉल्यूम में से अगर आप डिलीवरी देखते हो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि नॉर्मल दिनों से ज्यादा दिखाई देती है। बात करने वाले हैं बोनस से रिलेटेड, जो कि आपको मैंने इस थंबनेल पे देखा होगा। तो दोस्तों एक कंपनी ऐसी है यहाँ पे ऑटो सेक्टर की, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री, जो कि एक साल का अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखते हो तो लगभग 54% का, 24 रुपए का शेयर हाई बनाता है 89 रुपीज का। दोस्तों 1 महीने पहले इसका यहाँ पे बोनस अनाउंस होते हुए दिखाई दिया गया है, उसके बाद से अगर आप देख रहे हो तो लगभग 55% का रिटर्न उसने निकाल के दे रखा है। कंपनी का कामकाज अगर आप जानते हो तो देखा जाए यहाँ पे 2015 में लिस्ट हुई है, लगातार कंपनी ऊपर भागते हुए दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल अगर आप चेक करते हो तो काफी चौंकाने वाला दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि लगातार 2020 का रेवेन्यू चेक करो, ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एबिटा चेक करो तो यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और नेट इनकम की बात करते हो जो कि पिछले साल -3 पे दिखाई दे रहा था वो उछल के आपको 2 पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कंपनी लगातार ग्रोथ पे दिखाई दे रही है, और इसी वजह से अगर आपने देखा हो कि कंपनी बोनस प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जिसका रेशियो अगर आप देखोगे कि अगर आपने 4 शेयर खरीदते हो तो 4 शेयर के बदले पे आपको यहाँ पे 1 शेयर आपको फ्री मिलते हुए दिखाई देगा, जिसका रिकॉर्ड डेट आपको ज्यादा दूर नहीं अब 13 तारीख को दिखाई दे रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आप जरूर से अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या इसके अंदर एक एंट्री बनानी चाहिए बोनस के लिए, टाटा पावर से रिलेटेड आपको क्या लगता है, क्या इसके अंदर आगे इन फ्यूचर प्राइस क्या देखने को मिल सकता है। बाकी हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि काफी अच्छे खबर आपको सुर्खियों में दिखाई देने वाला है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई दे सकती है तो काफी अच्छे टारगेट्स हम लोग और उम्मीद करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए अभी के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।